नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज हमारी खास मुलाकात के मेहमान हैं वंदे भारत ट्रेन के जनक श्री सुधांशु मणि जी। उनसे बातचीत करेंगे उन मुद्दों पर जो जनता के हित के हैं। आखिर वंदे भारत को लेकर क्या सोच उन्होंने बनाई, क्यों सोचा कि देश को तीव्र गति की ट्रेन दी जाए ताकि यात्रा सुलभ हो, और जब यात्रा सुलभ होगी तो सब कुछ वल्ले वल्ले। आदमी अब तीव्र गति में क्या चाहता है कि सबसे पहले हम पहुंचे, सबसे अच्छी सुलभ यात्रा हो, एसी का कोच हो, सीट बहुत बढ़िया हो जो आरामदायक हो। इस सब को लेकर बहुत कुछ दिखाया, बहुत तैयारी के साथ। सीधा हम आपको रूबरू कराते हैं सुधांशु मणि जी से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया अपने कीमती समय में से। नहीं, आपका शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु सर, सबसे पहला सवाल जो जनता जानना चाहती है कि भारत में जब उस तीव्र गति की ट्रेनें नहीं चल पा रही थी, तो ये एक आइडिया कि बेहद तीव्र गति की ट्रेन वंदे भारत आपने भारत में लॉन्च की, किस तैयारी के साथ? देखिए, ऐसा है कि ये तैयारी की आपने बात की, तो मैं तो जब रेलवे नहीं भी ज्वाइन की थी, मैं आपको लेट 60s अर्ली 70s में ले जाता हूँ, जब व्हेन आई वाज अ टीनेजर, तब से मेरे एक मन में ये विचार उठता था जब हम फॉरेन की मैगजीन्स देखते थे, जर्मनी की, जापान की, क्योंकि मैं रेलवे फैमिली से आता हूँ, और वहाँ की ट्रेनें देख के ख्याल आता था कि हमारा भी इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है और बहुत हजारों इंजीनियर्स हैं, काबिल इंजीनियर्स हैं, तो भारत में इस तरह की एक स्वैंकियर, बेटर लुकिंग, एस्थेटिकली सुपीरियर, जिस हायर टेक्नोलॉजी की, स्पीडियर, ज़्यादा तेज चलने वाली ऐसी ट्रेन कब आएगी? तो ये किसको अंग्रेजी में कहें तो एक एंग्स था, और साथ साथ एक तरह से एक ड्रीम, एक सपना भी था कि किसी दिन ऐसा होगा। फिर इत्तेफाक से मैंने रेलवे सर्विस ही ज्वाइन की, सर्विस में भी ये हमेशा बात उठती रही, डिबेट, प्रोक्रेस्टिनेशन, इनडिसीजन, ये सब दिखाई देता था, छोटा अफसर था मैं, लेकिन कुछ लॉबीज थी, कुछ तमाम चीजें थी, लेकिन ये हो नहीं पाया। और जो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी ट्रेन कब आएगी, आप जो रिकॉल, जो इमेज है भारतीय रेलवे की ट्रेनों की, आम ट्रेनों की, तो वैसे तो रंग जो है लाल मैरून, मतलब गल्फ रेड से अब नीला हो गया है, एसी कोचेस बढ़ गई हैं, एक जर्मन टेक्नोलॉजी भी बीच में आई है 90s में, LHP टेक्नोलॉजी बोलते हैं, लेकिन अगर आंख बंद करिए तो रिकॉल जो है ट्रेन्स का वो एक ही है, वो एक डब्बे टाइप आपको जो दिखाई देगा वो एक ही है, जिसके बारे में मैं दो चीज कहता हूँ हमारे चाचा लोगों की, चाचा लोग कहते हैं जिन जो हमसे ज़्यादा होशियार हों, और उनकी बात हमेशा याद आती है, तो एक भरत भूषण पंत एक लखनऊ के शायर हुए हैं, वो कह गए हैं कि एक जैसे लग रहे हैं सभी चेहरे मुझे, होश की ये इंतहा है या मैं नशे में हूं। मतलब हमारी इंटॉक्सिकेशन या सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, और शेक्सपियर साहब जो है द पैशनेट पिलग्रिम में, उनका उनकी ये लाइन है कि ब्यूटी इज बट अ वेन एंड डाउटफुल गुड, अ शाइनिंग ग्लॉस दैट फेडेथ सडनली। तो ये ट्रेनों के बारे में यही था। अब 2016 में GM बनने का मौका मिला मुझे, आमतौर पे 5-10% अफसरों को ही मौका मिलता है जी। और लोग एक जोन में जाना चाहते हैं जो एक फीफडम, बड़ी एक बड़ा डोमेन होता है, जैसे अगर आप दिल्ली में हैं तो नॉर्दर्न रेलवे के GM दिल्ली में बैठते हैं, वो बड़ा उनका एक ज्यूरिसडिक्शन है, वहां जाना चाहते हैं लोग, क्योंकि अभी भी बड़ा फ्यूडल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, सामंतवादी है, अभी भी वो डिमोलिश नहीं हुआ है, और कुछ फैक्ट्रीज हैं जिनमें भी GM होता है उसी रैंक का, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में भी एक GM की पोस्ट खाली थी, मैंने
रिक्वेस्ट किया कि मुझे वहां भेजा जाए और मुझे दे दिया गया वो, चेयरमैन साहब ने वहां मुझे पोस्ट किया। वहां आने के बाद अगर मेरे मन में यह सपना था कि ऐसी ट्रेन भारत में आनी चाहिए, और इतनी बड़ी फैक्ट्री का इंचार्ज होने के बाद अगर इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता मैं, तो इसका मतलब वो कोई सपना नहीं था, वो एक पाइप ड्रीम वाहियात बात थी। तो ये कहानी की शुरुआत वहां से हो जाती है। फिर उसके बाद और बातें थी, आप जैसे जैसे पूछेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन शुरुआत तो सीड ऑफ द स्टोरी यहीं पे थी। आपने बिल्कुल वो सब कहानी बताई कि किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए या कुछ नया सपना पाने के लिए कितनी जगह भिड़ना पड़ता है, जिसे हिंदी में बात कहें कि उसे लगातार अपना एक जो सपना है उसे साकार करने के लिए सपने को संजो के रखना पड़ता है कि मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं इस सपने को अपना साकार करूंगा। आपने बड़ी गंभीर बात की कि कोचिज आज भी वैसे ही हैं जैसे चल रहे थे, कुछ बदल दिया, बदलाव आए, पहले सामान्य थे अब LMBH, इस टाइप से कुछ बदलाव। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं वंदे भारत ट्रेन की, पूरे देश में चर्चा हो रही है, हर व्यक्ति चाह रहा है कि मेरी स्टेशन से भी चल जाए, प्रधानमंत्री जी लगातार झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं, लेकिन क्या इस पर जो सफर करने का आनंद है वो आम ट्रेन में और इस ट्रेन में क्या आपने अंतर आपको नजर आया? वो तो सवारी बताएगी लेकिन आपको क्या अंतर नजर आया जिससे आपने ये पैरामीटर बनाए? ये कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप करते हैं, अब तो एक चीज होती है डिजाइन थिंकिंग। हम लोग ने कोई डिजाइन थिंकिंग करके ये नहीं बनाई, लेकिन रिट्रोस्पेक्ट में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा किया था हम लोगों ने। पहली चीज है कि आप समझिए कि जनता क्या चाहती है। अगर उसको समझे बिना एक कोकूंड ढंग से आप कुछ बना देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हायर एंड ट्रैवल, ऐसा ट्रैवल जो कहीं ना कहीं एयर ट्रैवल को कंपटीशन दे सके, ये हम लोगों ने सोचा था कि ऐसी हायर एंड ट्रेन बनानी है। तो उसमें पहली चीज तो ट्रैवल टाइम है, बाकी चीजें बाद में आएंगी। आखिरकार किसी भी ट्रैवल का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रैवल टाइम है। तो इसका मतलब इसमें ट्रैवल टाइम के लिए दो चीजें, इसकी स्पीड होनी चाहिए, 180 पे टेस्ट हो, 160 पे चले, और दूसरा एक्सेलरेशन यानी कितनी जल्दी ये स्पीड पकड़ती है, ये इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए। इन दोनों चीजों को मिला के ट्रैवल टाइम जो एग्जिस्टिंग शताब्दी है भोपाल दिल्ली के बीच में, उसका टाइम कम किया जाए, ये हम लोग का मन था। तो पहली चीज होती है ट्रैवल टाइम। इसके अलावा देखिए स्टेशन की बात करते हैं लोग, स्टेशन पे तो यात्री 2-4, 10-15 मिनट रहता है, और सारा ट्रैवल टाइम तो ट्रेन में होता है। तो ट्रेन के अंदर सुविधाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सुविधाएं किस तरह की, सीट अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, टॉयलेट साफ सुथरे होने चाहिए। साफ सुथरे तो खैर सफाई की बात है, लेकिन उसका बनना ऐसा चाहिए कि साफ सुथरा रखने में मदद मिले, एक प्लेजेंट फीलिंग आए। एक कोच से दूसरे कोच जाने में जो हम लोग का वेस्टिब्यूल होता है अभी जो रिकेटी टाइप का, उसमें थोड़े ज़ईफ लोग या बच्चे जाने में डरें, वो ऐसा होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं लगे कि आप एक कोच से दूसरे में चले गए। ऑटोमेटिक डोर यानी कि जब ट्रेन चल रही हो तो दरवाज़ा खुले नहीं, केवल ड्राइवर ही खोल पाए, और जब तक दरवाजा बंद ना हो ट्रेन चले नहीं, तो ये सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा इंफोटेनमेंट मिले यानी अनइंटरप्टेड वाईफाई के थ्रू, पैसेंजर इंफॉर्मेशन आप कहाँ हो, आपको जहां जा रहे हो वो कितनी दूर है, वहां कब तक पहुंचेगी, आपकी ट्रेन की गति कितनी है, ये सब चीजें बढ़िया डिस्प्ले से पैसेंजर को कन्वे की जाए। और छोटी मोटी चीजें हैं, मोबाइल चार्जिंग है, जो आगे की स्नैक टेबल ट्रे है रिकटी टाइप की ना हो, और इस तरह की और तमाम चीजें हैं। ये सब चीज इसमें रहे, ये हम लोगों ने कोशिश की और काफी कुछ सफल हुए, पूरे हुए ऐसा तो नहीं कहूंगा। तो ये दो चीजें सबसे बड़ी है। पहले आता है ट्रैवल टाइम, क्योंकि आप कितनी भी सुविधा दे दीजिए अगर टाइम नहीं बचत करा पा रहे हैं आप, तो सब बेकार है। आखिर वो ट्रेन में कोई ये जो आप सुविधाएं बताएं उसका लुत्फ उठाने के लिए नहीं बैठा है। पहला काम उसका है कि वो जल्दी से जल्दी जहां जाना है वहां पहुंचे, और उस प्रोसेस में उसकी उसका सफर अच्छा रहे, ये
तो ये है, और ये चीजें जो आपने बताई हम लोगों ने कोशिश की है पूरी की पूरी हो। कुछ कमियां रह गई, वो कमियां धीरे धीरे पूरी करनी चाहिए ऐसा मैं मानता हूं। अभी आपने कमियों का जिक्र कर दिया, जी, कम मैं बताता हूँ आपको एक कमी। नहीं देखिए हम लोग जी बोल सर, रहे। मेरा एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, उसी में आप दोनों जी जी, जी 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 आए आए दिन लोग, अगर जरा सा भी ट्रेन चलेगी, कोई भी वाहन सड़क पे चलेगा, रेल पटरी पे दौड़ेगी, हवाई जहाज आसमान में उड़ेगा, टेक्निकल फॉल्ट आएंगे, उसे आप नहीं रोक सकते। सड़क पर जान ट्रेन के किनारे आवारा जानवर मिलेंगे, कहीं कुछ मिलेगा, तो ये जैसे अभी अयोध्या वाले दिन वंदे भारत ट्रेन पर बकरी के बच्चे कट गए, तो उसमें ट्रेन का क्या दोष है? वो ट्रैक पे आए, तो ट्रैक पे आएंगे तो ट्रेन के सामने जो भी आएगा वो दुर्घटना घट जाएगी, उसके बाद उस व्यक्ति ने उस पर पत्थरबाजी कर दी, वो इसमें ट्रेन का दोष थोड़ी था, न ट्रेन पे पत्थरबाजी से वो बकरी बच्चे जिंदा हो चुके, वो केवल जेल और चले गए, उनके खिलाफ केस लिख गया। ऐसे में जो आए दिन दुर्घटना की खबरें आती हैं, लोग ट्वीट करते हैं कि वंदे भारत का हिस्सा टूट गया, वंदे भारत यहाँ से फेल, ये क्या है, तो क्या इसको लेकर भी कुछ नई तकनीकी ईजाद कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा आपने पूछा। पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, आप एक अंदाज लगाएंगे? जी अंदाज लगाइए, आपको ये जानना जरूरी नहीं है जो मैं सवाल पूछ रहा हूं। आपके ख्याल से रोज के कितनी कितनी गाय भैंसे, कैटल बकरियां तो छोटी चीज है, ये आपके आप क्या समझते हैं रोज रोज के रोज कितने भारतीय रेलवे द्वारा कटते होंगे आपके ख्याल से? कम से कम जो मेरा अपना आंकड़ा है वो लगभग 500 से ऊपर और 1000 के बीच रहता होगा पर डे का। नहीं ये महीने का हुआ रोज का कोई 20-25 ऐसा केस होता है, बहुत से अनरिपोर्टेड हो जाते होंगे, जो रिपोर्टेड हैं इतने केस रोज होते हैं महीने में, आप लगा लीजिए 600-700-800 साल के, आप अंदाज लगा लीजिए हजारों, 500 से 1000 के बीच समथिंग जी, और साल का आप लगा लीजिए 10,000, तो कितनों के बारे में आप सुनते हैं? कहीं नहीं सुनते उनके, कहीं नहीं सुनते। दो कारण है उसके। देखिए जो नॉर्मल ट्रेन है उसके लोगों के आगे एक भद्दा भद्दा ही कहेंगे, हालांकि वो अपना काम अच्छा करता है, एक कैटल गार्ड लगा होता है, वो लोहे का एक स्ट्रक्चर होता है, वो उसका काम है कि गाय भैंस जो आए या आदमी भी अनफॉर्चुनेटली उसको बाहर फेंके, और इससे ट्रेन में कम से कम डैमेज होता है जो लोकोमोटिव है। जो थोड़ा बहुत होता भी है ड्राइवर रोक के, कोई पाइप डैमेज हो गया कुछ, मतलब उसमें कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़बाजी करके वो आगे बढ़ जाता है, ट्रेन बहुत डिटेन नहीं होती, रुकना तो पड़ता है। वंदे भारत चूंकि 160 किलोमीटर के लिए बनाई गई है, तो इसकी नोज डिजाइन की गई थी जिससे हवा का रेजिस्टेंस कम से कम हो, तो एक बड़ी स्पेशल नोज इसकी बनाई गई, और वो उसकी एस्थेटिक्स, उसकी उसका USP भी बना। आज आपको ट्रेन पसंद आ रही है तो उसका एक कारण ये नोज भी है जी, क्योंकि आम ट्रेन से अलग दिखती है बिल्कुल, और वो टेक्निकली भी जरूरी है उस स्पीड पे। लेकिन उसमें वो कैटल गार्ड लगाने पीछे लगा हुआ है, लेकिन उस तरह से लगाने की जगह नहीं है, तो हम लोग को लगा था कि भाई ऐसा होगा, ये फेंस ट्रैक पे चलना है, 160 किलोमीटर पे ट्रैक फेंस होता है, जैसे दिल्ली भोपाल के बीच में जो स्ट्रेस है वहां फेंसिंग है, लेकिन कहीं नहीं हुआ, कहीं और चली ट्रेन। तो ऐसा डिजाइन किया गया था कि जब वो कोई कैटल रन ओवर हो तो चार भाग में है, वो वाला भाग उसका निकाल के बदला जा सके अगले ही दिन डिपो में, लेकिन डिपो तक जाने में वो भद्दा वो टूटा आपको दिखाई देगा। अब चूंकि वंदे भारत, प्राइम मिनिस्टर इसकी इतनी बात करते हैं, किस ट्रेन की बात करता है कोई पॉलिटिशियन? कभी नहीं। और रेड फोर्ट से इसके बारे में बात करते हैं और हर ट्रेन लॉन्च करते हैं, तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन को और बाकियों को कोई मौका मिलेगा, छोटा मोटा कुछ भी होगा तो उनको लगेगा कि अब ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलने के लिए अच्छा मौका है। तो वंदे भारत में जब भी ऐसे केस हुए हैं तो वो हमेशा पेपर में स्प्लैश हो जाते हैं, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन ठीक है, ये उसको छोड़ देना चाहिए, वो होता रहेगा। इसमें कम से कम इसमें नुकसान हो और इतनी भद्दी शक्ल ना हो जाए ट्रेन के, इसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है ICF में, जैसा अब तो मैं डायरेक्ट टच में नहीं हूं, लेकिन चूंकि एरोडायनेमिक नोज रहनी है इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा कि इसमें और लोगों की तरह हम कैटल गार्ड लगा दें भद्दा सा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक तो मेन चीज ये है कि इसके ऊपर काम हो रहा है, और जो आपने कहा कि इसमें उनका क्या दोष है ट्रेन का, अगर सामने बकरियां आ गई और ये, तो बात आपकी एकदम सही है। पत्थर फेंकने वालों से ये समझिए, देखिए ये थोड़ी निशानी बन गई है हाई एंड ट्रैवल की,
और हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की है ऐसी, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, जिसमें लोगों के मन में एक उत्तेजना आती है कि भाई ये बड़े लोगों की ट्रेन है, तो उसके लिहाजा कुछ लोग इसमें पत्थर भी फेंकते हैं। ये धीरे धीरे जब ज़्यादा ज़्यादा ट्रेन और चलने लगेंगी, ये मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा। इसमें दोनों आस्पेक्ट है, एक तो क्रिमिनल आस्पेक्ट है जिसके लिए रेलवे काम कर रही है आरपीएफ के थ्रू, इसमें बाहर कैमरे भी लगे हुए हैं, आपने आपको पता लगा होगा कि वो उन कैमरे के थ्रू कल्प्रिट पकड़ने में आसानी हो गई है एक्सटर्नल कैमराज की वजह से, और धीरे धीरे लोग भी समझ जाएंगे कि ये काम ठीक नहीं है, तो ऐसी उम्मीद रखता होगी मैं, धीरे धीरे ये इंसिडेंट कम हो जाएंगे जी। सुधांश सर, अब तक कितनी वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च हो चुकी हैं भारत में, कोई आइडिया अनुमानित? हाँ, नहीं अनुमान नहीं, पक्का आपको पक्का जी, नंबर जी, बताते हैं। जी। देखिए, प्रधानमंत्री ने पहले 2-3 साल, 3 साल करीब इसका काम बंद रहा, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, छोड़िए उसको। जब प्रधानमंत्री ने एक बार शायद लास्ट ईयर अगस्त में बोला कि अगले 15 अगस्त तक 75 ट्रेनें चलने लगेंगी, तब तक सिर्फ दो ही थी जो हमारे टाइम में बनी थी, उसके बाद एक भी बनी नहीं थी 2018 के बाद से, 18-19 के बाद से। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगले 15 अगस्त तक 75 ट्रेनें चलने लगेंगी। अब लोग कहने लगे कि बन पाएंगी कि नहीं, 75 कैसे बनेंगी, एक भी नहीं बनी 3.5 साल में, सब बात सही है। मैं हमेशा ये बोलता रहा कि 10 बने, 20 बने, 25 बने, 75 नहीं भी बने तो इससे क्या फर्क पड़ता है जी। प्रधानमंत्री ने एक दिशा दी है और उसके ऊपर आप लोग काम शुरू कर दिया सबने तेजी से, ये खुशी की बात है। इसमें ये मीन में करना बेकार है कि 75 बनी कि 70 की 50, लेकिन अब मैं कौन हूं, मेरी बात कौन सुनता है। यहाँ मंत्रालय को लगा होगा कि अब तो मोदी जी ने 75 बोल दिया तो 75 बनानी है, 75 बन तो सकती नहीं थी किसी हालत में। तो अभी तक देखिए, कायदे से देखिए तो बनी है 20 या 21, उनमें से 11 को आपने काट के आधा कर दिया, उसको 8 का बना दिया 16 के बजाय, समझ रहे हैं आप बात। उनमें से 10-11 जो है 16 की नहीं, 8 कोच की हैं, यानी एक ट्रेन की आपने 2 बना दी और आप उसको 22 कर दी, 15 से 21 कर दी, नहीं 15 से 21 नहीं, ये आपकी 20 से 27 कर दी उसको जी, 20 से 27 जी। और फिर आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने रेक थोड़ी कहा था कि 75 रेक चलेंगी, प्रधानमंत्री ने कहा था 75 ट्रेनें चलेंगी, तो एक रेक से 2 ट्रेन बनती हैं, एक अप एक डाउन जी। तो उन्होंने कहा कि ये 27 की या 26 जो भी थी उसकी 52 हो गई, चलिए बात सही है 52 हो गई। अब ये 10-12 और निकाल के इसको 60-65 पहुंचा देंगे 15 अगस्त तक, चलिए ठीक है, उनका काम है, ये भी सही है। तो आपका सवाल का उत्तर 2 पार्ट में है इसमें, कि पेपर पे 27 बन चुकी है, उसको आप अप डाउन में रेक पर 27 है, आप 52 गिन लीजिए, 54 गिन लीजिए, ये है पोजीशन अभी। लेकिन उनमें से 11 या 12 8 कोच वाली है, मिनी वंदे भारत। बिल्कुल, आपने आपने बिल्कुल सटीक बात रखी, और मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि सारी बातें बड़ी बेबाक, कोई उसमें लाग लपेट नहीं कि कितने कोच की कौन सी है, कौन सी मिने है, कौन सी बड़ी है। मैं थोड़ा सा आपके लाग लपेट इसलिए नहीं है, आपको बता दूं वो भी, आमतौर पे ये एक कहावत है ना, सार ग्रेप्स, जब कोई चीज नहीं मिले तो आप कहोगे यार ये खट्टे थे, अंगूर खट्टे, वो वाली बात नहीं है। रिटायरमेंट के बाद से ही मुझे सरकार से कुछ चाहिए नहीं था और ना आज चाहिए जी, तो जी। जो अच्छी बात होती है सरकार की, जब मोदी जी कहते हैं 75 बने या निर्मला सीतारमन जी कहती हैं कि 400 ट्रेन बनेंगी, तो बड़ी खुशी की बात लगती है मुझे। फिर जब ट्रैक का काम नहीं होता है, सिग्नलिंग का नहीं होता है, तो उसके बारे में कहता हूँ कि ये नहीं हुआ। अभी 75 बनाने के चक्कर में आपने 8 कोच की ट्रेन कर दी तो गलत है मेरे हिसाब से, तो मैं बोलता हूँ। तो ये मुझे चूंकि इनसे कुछ चाहिए नहीं, तो मुझे बोलने में कोई परेशानी भी नहीं है जी। जी सर, अगला मेरा सवाल यह है कि जैसे लोगों में एक चर्चा है कि वंदे भारत का थोड़ा सा किराया ज्यादा है जो लोगों को भारी पड़ता है, आम पैसेंजर भारत की अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ आज भी 80% लोग बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, वो
आप भी समझ रहे होंगे यात्रा करने में, लेकिन जो आपने मुख्य बात कही वो ये है सबसे बड़ी कि समय की बचत सबको चाहिए। हम हवाई जहाज में वो लोग भी जाते हैं जो बहुत गरीब हैं, इंतजाम करके जाते हैं, अगर उन्हें कोलकाता कल पहुंचना कोई घटना दुर्घटना हो गई है मिलने जुलने वाले के साथ तो जाते हैं, कहीं से भी लाए पैसे। तो क्या इस पर भी सरकार चर्चा कर रही है कि किराया कम किया जाए? दो बातें हैं इसमें, देखिए किराया कम करना या हर भारतीय को डिग्निटी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। देखिए किराया किराए की और ये भी एक बात है, तो थोड़ा धैर्य रखिए, मैं इसको समझाना चाहूंगा। देखिए बनी ये हायर एंड है एयर ट्रैफिक से कम्पीट करने के लिए, ठीक है। अब ये 160 का ट्रैक नहीं बन पाया तो उतना टाइम ये बचा नहीं पा रही है जितना इसको बचाना चाहिए, इसका पूरा पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन इसका मैं नहीं मानता कि किराया घटना चाहिए। होना चाहिए कि सर्विस इंप्रूव होनी चाहिए, यानी कि जहां पे आप जैसे चेन्नई से बैंगलोर के बीच में आपकी शताब्दी अगर 4 घंटे 40 मिनट लेती है और आपकी वंदे भारत 4 घंटे 20 मिनट, तो फिर ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसको 4 घंटे से नीचे आप लाएं तो माना जाए कि ये कोई काम हुआ, तो वो ज्यादा करना चाहिए, तब आप इतना ही किराया लें वो जस्टिफाइड होगा, नंबर वन। नंबर टू, जो कॉमन मैन की आपने बात की, तो कॉमन मैन का हम सिर्फ वंदे भारत के परिप्रेक्ष्य में क्यों देखें? आप ये देखिए कि हमारे कॉमन पर्सन जो है जो जीएस कोच में कैसे ट्रेवल करता है आज की डेट में, क्या वो मनुष्य की एक डिग्निफाइड मनुष्य की तरह ट्रेवल कराते हैं उसको? आप उसको प्लेटफॉर्म पे पहले तो कोच के आगे 100 आदमी 200-300 आदमी की लाइन लग जाती है, फिर भेड़िया दसान होता है, फिर वो अंदर घुसते हैं, वो बड़ा ही एक जिसको कहा जाए डिस्डेनफुल एक वहां समा बनता है। अच्छा चलिए, ये तो आप कह सकते हैं कि बहुत कम किराया देता है तो उस तरह ले जाएंगे, ये कोई बात हुई? आपको मिल जाएंगे लोग कि भाई ये किराया तो देते नहीं है, ये जितने में कोरियर पहुंचाता है एक चीज से उससे कम में आदमी पहुंच जाता है। ये सब बातें करना वाहियात बातें हैं। हमें अमृत काल पे आना है, इस सरकार ने कहा है कि हम अमृत काल में हैं और अमृत काल के अंत तक हम डेवलप्ड हो जाएंगे, ये सरकार कह रही है। मैं तो कहता हूं अमृत काल से थोड़ा पहले ही हमें डेवलप्ड हो जाना चाहिए, और हो जाना चाहिए नहीं, हम होंगे, हम ये मान लें अगर हम होंगे, तो मैं कह रहा हूं होंगे, तो उसके लिए क्या प्लानिंग कल शुरू करेंगे आप? आज करेंगे, आज करेंगे मतलब एक डेवलप्ड कंट्री में क्या लोग ऐसे ट्रेवल करेंगे जैसे ये करते हैं? जी नहीं। आप तो मान के चले आप डेवलप, हर आदमी एयर कंडीशन में चलेगा। अब आप कहिएगा कि भाई वो पैसा कहां दे पाएगा? अरे मैं कहता हूं आप वंदे भारत से कमाइए और इनको कम से कम पैसे में एयर कंडीशन में ले जाइए, नॉन एयर कंडीशन बनाना बंद कर दीजिए। आप इनको ऐसा डिजाइन हो सकता है, आज की डेट में आप एयर कंडीशन में 72 ले जाते हैं, चेयर कार में जो भी नंबर है 100 के आसपास, आप उसको और बढ़ाइए, क्रैम्प कर दीजिए, लेकिन एयर कंडीशन में ले जाइए। हर भारतीय यात्री को, भारतीय क्या मतलब, हर यात्री को, चूंकि वो भारत का नागरिक है, बैठ के या सो के जाने का इंतजाम मुहैया कराइए। आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर नहीं होगा। आप मानिए कि ये करना है तो होगा, ये करिए। तो आप कॉमन मैन की बात सिर्फ वंदे भारत के परिप्रेक्ष्य में क्यों करते हैं? मैं तो पूरी ट्रेन के बारे में कहता हूं कि आप हायर एंड ट्रेन बनाइए, पैसे देने वाले लोग हैं। देखिए केरला में आज वही ट्रेन 180% ऑक्यूपेशन पे चल रही है, तो वहां चलाइए जहां पूरी चले भर के, अच्छे पैसे कमाइए और इसको आम भारतीय नागरिक के ट्रैवल को इम्प्रूव कराइए। ये ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव देखिए तो मेरा ये है। अगर ये पूछा जाए कि इस पे कितना काम हो रहा है, तो शायद हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। एक तो नॉन एसी कोच बनना एकदम बंद हो जाना चाहिए, और AC3 इकोनॉमी बनाई हम, अब वो भी बंद हो गई। उसमें जहां तक मुझे याद है उसमें शायद 10% के करीब किराया कम था AC3 के मुकाबले। मैं तो कहता हूं 20-30% और किराया कम करके आप चलाइए। वैसे भी रेलवे कौन से मुनाफे में चल रही है? रेलवे को मुनाफे में चलना चाहिए, वो अलग सब्जेक्ट है। रेलवे को तो भारतीय सरकार का सपोर्ट मिला हुआ है बहुत, अब तो बजट कॉमन है, 2,60,000 करोड़ रेलवे पे खर्च कर रही है सरकार इस साल कैपेक्स, जो कि 50,000 करोड़ होता था। तो इसके आगे ये कुछ भी नहीं है जो मैं बोल रहा हूं आपको, आप सबको कंफर्ट में ले जाइए। और आखिरी बात,
अगर आज आप कम पैसे में एसी में ले जाएंगे इनको, सब लोग मुझे कहेंगे क्या वाहियात बात कर रहा है, पर मैं कह रहा हूं हाँ ले जाएंगे। और वही आदमी अगर हम डेवलप्ड होने जा रहे हैं 10 साल बाद, उसकी पॉकेट में इतना पैसा होगा कि उसका प्रॉपर फेयर वो अफोर्ड कर पाएगा, ये मान के चलना होगा। बड़ी गंभीर आपने बात कर दी कि जब वो एसी में जाएगा तो उसका मन कितना खुश होगा और उससे वो कितना डेवलप होगा, वो खुद को भी बड़ा आदमी मान के चलेगा। जब अच्छी ट्रेन में बैठ के अच्छी जगह यात्रा करता है तो आदमी के मन में अंदर से बड़प्पन का एक मंसूबा भी जागता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे अंतिम एक सवाल करूंगा, आजकल ट्रेन दुर्घटना बहुत हो रही है जी, कैसे काबू लगे? जी तो पहले तो देखिए मिश्रा जी, आपको करेक्ट करूंगा, बुरा ना माने दो, ये हर आदमी आप नहीं, सब जगह यही बात हो रही है कि ट्रेन दुर्घटना बहुत हो रही है। मैं तो आम आदमी का सवाल कर रहा हूं, मैं तो करेक्ट जी, इसको थोड़ा नहीं नहीं ठीक है, अब मैं जो बोलूंगा वो लोग कहेंगे कि ये क्या आंकड़े की बात कर रहा है, वो भाई हर चीज आंकड़े पे होती है, इसको समझ लें फिर उस आपके सवाल पे आऊंगा। आज से 10 साल पहले, और मैं कोई इस सरकार का कोई वकालत नहीं कर रहा, आज से 10 साल पहले देखें ये सिस्टम इंप्रूवमेंट हुए हैं तो हर साल 500 से 600 लोगों की मृत्यु होती थी भारत रेल दुर्घटना में। आज की डेट में वो नंबर पिछले 4 साल से 50 के नीचे आ गया है। अब ये एक दुर्घटना में 290 लोग मर गए, इस साल का जो इनका आंकड़ा है एकदम बिगड़ गया, मानता हूं मैं, लेकिन आप ये नहीं भूल सकते कि ये नंबर 50 के नीचे आ गया था। तो पहली चीज, और ये आया कैसे, ये कोई जादू नहीं हुआ। लेवल क्रॉसिंग पे 40% एक्सीडेंट होते थे, अनमैन लेवल क्रॉसिंग पे, और उसको सबको मैन कर दिया गया या वहां पे ग्रेट सेपरेशन यानी कि ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज बना दिया गया। तो ये 40% ऐसे एक्सीडेंट जिनमें बहुत लोग मर जाते थे खत्म हो गए। एक ट्रैक की मेंटेनेंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया गया और एक विंडो उसकी मेंटेनेंस की जो होती थी उसको देने का काम भी बढ़ाया गया। ये दोनों चीज मिलाने से एक्सीडेंट कम हुए। अब परसेप्शन पब्लिक का ये है, भाई आप 290 लोग मर जाएंगे, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं पर्सपेक्टिव में ला रहा था। तो अब क्या करना चाहिए जिससे ये केस, ये वन ऑफ एक्सीडेंट तो भूल ही जाइए, ये बहुत ही दुखद था। ट्रैक मेंटेनेंस और इंप्रूव करनी चाहिए, लेकिन ट्रैक के ऊपर कम ध्यान मत दीजिए, जो कि कम हो गया है ध्यान, क्योंकि उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है। अगर ट्रैक पे पैसा खर्च होता है तो वहां लोग आके सेल्फी नहीं खींचेंगे, तो वो इसलिए आप उसको नहीं करेंगे, ये कोई बात नहीं हुई। और एक कवच, एक सिस्टम, यही भारतीय सिस्टम डेवलप हुआ है सिग्नलिंग का, जो कि मैं मानता हूं कि वंदे भारत से भी बड़ा एक इंडिजिनस डेवलपमेंट है। बहुत पैसा बचेगा इसमें विदेशी तकनीक के मुकाबले, उसको और तेजी से लाइए, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। ये सब चीजें करिए तो सेफ्टी इंप्रूव करिए, लोगों के मन में ये परसेप्शन है आपको दूर करना होगा। ये मैं जो आंकड़े सुना रहा था उसको सुनाने से कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम एक्सीडेंट हो ये देखना पड़ेगा और उसकी तरफ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बड़ी बेबाक सारी बातें रखी, तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, लेकिन वो गूढ़ जानकारियां दी कैसे रेल बनाई, कैसे वंदे भारत ट्रेन तक का सफर, और कैसे वंदे भारत ट्रेन को आज 52 तक ले जाया गया या 54 तक जो भी आंकड़े आए, और आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो समय की बचत कैसे की जाए ताकि वंदे भारत बनाने का सपना साकार हो। जब सपना साकार होता है तो किराए की कोई वैल्यू ही नहीं है, किराया तब तक वैल्यू करेगा जब तक समय की बचत नहीं होगी, और उसे जब हवाई जहाज से कंपेयर करके बनाया गया सभी मामले में, तो समय की बचत वहीं से तय होती है। अगर हम बात करते हैं कोलकाता जाने की, तो कोलकाता जाने में भी हमें 7 घंटे हवाई जहाज से जाने आने में समय व्यतीत करना पड़ता है। घर से 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है, बोर्डिंग करानी पड़ती है, फिर 2.5 घंटे का सफर करते हैं, फिर 1 घंटा वहां निकलने में लगता है। इस लिहाज से अगर 7 घंटे सफर करने के बाद अगर हम वही सफर वंदे भारत से 12 घंटे 14 घंटे में कोलकाता पहुंचाने में दे देंगे तो शायद लोग ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि वो 6 घंटे का सफर हमें 4 बजे जगाता है सुबह, ये 12 घंटे का सफर रात को बिठाएगा, सुबह वहां अर्ली इन द मॉर्निंग कोलकाता खड़ा कर देगा। अगर ये 10 बजे छोड़ के वंदे भारत वहां सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंचेगी तो लोग वंदे भारत को ज्यादा चाहेंगे, क्योंकि बाई एयर जाने में भी उन्हें समय का बहुत नुकसान होता है। इसी लिहाज से अगर उसे राजधानी से 5 बजे बैठ के सुबह 11 बजे कोलकाता पहुंचना है तो फिर वो वंदे भारत को क्यों जाएगा, क्यों किराया देगा? ये कई सवाल जो आपके मुख्य हैं
जो जनता को समझने चाहिए और जनता को इन पर चर्चा करनी चाहिए। जनता को एक बात आपको एक बात बोल दूं, आपको आपको ज्योतिषी टाइप आदमी तो नहीं है, क्योंकि कल 7:15 बजे मेरी कलकत्ता की फ्लाइट है और मुझे 3:30 बजे सुबह उठना है। नहीं सर, हो सकता है मैं कुछ आपका और मेरा कुछ एक ही कुंभ राशि के दोनों प्राणी हैं, तो कुछ उससे मेरा कुछ हो गया, वो ज्वाइंट वेंचर ऐसा कुछ नहीं है। भगवान आपकी यात्रा शुभ यात्रा रहे। तो मेरा बस मानना यह है कि लोगों की सोच बदलनी चाहिए। जितना हम दुर्घटना पर चर्चा कर रहे हैं छोटी मोटी पर, नया कोई वेंचर जब लॉन्च होता है तो उसमें कई ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, वो प्रैक्टिकल समाज में ही होते हैं। लेकिन बुराइयों के साथ अगर अच्छाइयों कंपैरिजन, जो अभी आप कह रहे थे कि दुर्घटना हो रही है वो काफी हद तक रुकी है, अब टेक्नोलॉजी जितनी डेवलप होगी, जितनी और आगे बढ़ेगी और रुकेंगी। ये समय के साथ बदलाव है। आप ये कहो कि आज हम 1980 के दायरे की आज दुर्घटनाएं, हम उस समय जानते नहीं थे, फोन था नहीं हमारे पास, आज तो बाकी टाकी फोन। अब आप बता रहे हो कि वंदे भारत में तो आउट कैमरे भी लगा दिए गए कि बाहर का भी कोई व्यक्ति दुर्घटना करेगा या कुछ करेगा तो वो उस एरिया का आपको सीसीटीवी फुटेज दे देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। ये थे हमारे साथ सुधांशु मणि जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से पूरी बात बताई वंदे भारत को लेकर। जल्द फिर हाजिर रहूंगा किसी खास मेहमान के साथ, तब तक के लिए विदा मांगूंगा। नमस्कार।